बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने महागठबंधन पर हमला बोलते हुए कहा कि झारखंड की सभी 14 लोकसभा सीट पर एनडीए की जीत होगी। वहीं उन्होंने झामुमो पर हमला बोलते हुए कहा कि वर्तमान सरकार के खिलाफ जनाक्रोश है, सत्ताधारी दल के लोगों ने झारखंड को लूट खंड बना दिया है, सबसे ज्यादा पलायन और बलात्कार की घटना झारखंड में हुआ और कांग्रेस देश तुष्टिकरण की राजनीति कर रही है जो देश की जनता देख रही है। की आकांक्षा है कि राज्य आगे बढ़े, इसके विपरीत राज्य की सरकार यहाँ काम कर रही थी, इसीलिए जन आक्रोश भी है और उसका लाभ सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी को 14 सीटों में मिल रहा है। एक तरफ मोदी जी के नाम पर सुनामी है तो दूसरे तरफ राज्य की सरकार के खिलाफ जन आक्रोश है, इसलिए 14 के 14 सीटों पर हम जीते हैं। जहां तक जमशेदपुर संसदीय क्षेत्र का मामला है, हम सब कोई जानते हैं कि यहाँ पर 1867 बूथे यहाँ पर हैं और यहाँ पर अगर मतदाता की बात की जाए तो 18,69,728 यहाँ मतदाता हैं और अगर पिछले चुनाव की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी को 6,78,000 पिछले बार